बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्वीट सॉर एंड सॉल्टी में आपको है वेलकम। आज हम बना रहे हैं फ्राई गोश्त। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg मैंने मीट लिया है और इसे मैंने पसंदों के स्टाइल में कट करवाया, यानी कि फ्लैट कर लिया है गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरह, और पानी इसका ड्राई कर लिया था मैंने वॉश करने के बाद, बिल्कुल ड्राई। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट भर के लिया है मैंने, और 2 ही tablespoon मैंने इसमें इस्तेमाल किया है कच्चे पपीते का पेस्ट का। तो इसके डालने के बाद अदरक और अदरक लहसुन और कच्चे पपीते के पेस्ट के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्चें। उसके बाद डाला है मैंने 1 tablespoon पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 teaspoon मैंने ली है इसमें काली मिर्चें पिसी हुई। आप ये मिर्चें इसमें बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइस तो। और मैंने 1 teaspoon मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और गरम मसाला, ये 1 teaspoon मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड किया है, और 1 teaspoon मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह गोश्त पे मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। बहुत बेसिक मसाले, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, सारी चीज़ें पिसी हुई हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीतों का पेस्ट है, और नमक है। इस पर आप बस अच्छी तरह इन गोश्त पे या इन पीसेस पे आप अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लें और थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लें। आप इसे इस तरह मैरिनेट करके 1 दिन भी रख सकते हैं, जब भी आप दिल करें आप फ्राई कर लें, बकरीद पे आप बनाएं। ये देखें, इस तरह से हम सारी बोटियों को इस पर फैला देंगे फ्राई पैन पे, स्टेप बाय स्टेप इसे फ्राई करने, एकदम से सारी सारी बोटियाँ साथ नहीं डालनी है। इस तरह हम इसे फैला कर एक साइड से फ्राई करेंगे कवर करके, और कवर करना है ताकि जितना इसका पानी वो रिलीज़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद कवर हटाएंगे तो इसका पानी देखिए पूरा ड्राई हो चुका है और बोटियों का कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह आप इसकी साइड अब चेंज कर दें, और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि तो इधर से भी कलर इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये पक जाए अच्छी तरह। ये देखिए हमारी बोटियाँ फ्राई हो रही हैं, सारी बोटियों को मैंने पलट दिया है और अब इसे मैं पका रही हूँ मज़ीद। फ्राई गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे एक प्लेट में, और इसके ऊपर लीमू और चाट मसाला डालकर आप खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। चाहे तो दाल चावल के साथ, पराठों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, और वैसे भी आप खाना पसंद हो तो इस तरह भी खाया जा सकता है। और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए रेसिपी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।